Welcome to Shaigan Learning Forum. Today our topic is about cardiovascular system, in which we will discuss about the blood pressure. Blood pressure means the pressure of a blood on the walls of the vessels या artery is called blood pressure. जैसा कि हमने कहा कि दिल एक muscular organ है, pumping organ है, जो मुसलसल contract और relax करता है और दिल को एक hydrostatic pressure के ज़रिए पूरी body में pump करता है. तो अगर हम suppose देखें कि पूरी body से जो blood है वो venous return के बाद दिल के left side में जब आता है तो यहाँ पर वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं. जैसे ही वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्रोजेक्ट होगा, एजेक्ट होगा इनटू द आर्टरी आयोटा, और आर्टरी की तरफ वो एजेक्ट होगा और यहाँ से पूरी बॉडी को वो ट्रेवल करेगा. लेकिन जैसे ही ब्लड यहाँ पर आर्टरी या आयोटा में आता है विद द प्रेशर, और यहाँ पर इस वॉल्स के ऊपर वो प्रेशर के साथ आता है, तो ये प्रेशर कहलाता है ब्लड प्रेशर. यहाँ पर जो है ब्लड का जो प्रेशर होगा या जो ब्लड प्रेशर होगा वो हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टरीज की जो डायमीटर है, जो सरफेस एरिया है, वो रिगार्डिंग द ब्लड वॉल्यूम, चूँकि स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है, तो ब्लड वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से और आर्टरी का डायमीटर छोटा होने की वजह से यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होगा. लेकिन जैसे जैसे ये आर्टरी एक्सटेंड करेगी, मूव करेगी टूवर्ड्स द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी, तो ये कुछ ब्रांच नुमा आर्टरीज आर्टरीओज में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो ब्लड जैसे ही इन आर्टरीओज ब्रांच नुमा आर्टरीओज में जाएगा तो यहाँ पर इनका सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा कंपेरेटिवली टू आर्टरी. तो सर्फेस एरिया बढ़ने की वजह से रिगार्डिंग द ब्लड वॉल्यूम, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वो रिगार्डिंग कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगा. जैसे जैसे ये आर्टरियोल्स किसी टिश्यू में इनर्वेट करेंगी, और जैसे इनर्वेट करती हैं तो ये सिंगल लेयर ब्रांच्ड एक ब्लड वेसल्स बनाती हैं, जिसको कहते हैं कैपिलरीज. यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस और सिंगल लेयर्ड होने की वजह से इनका सरफेस एरिया जो है वो कंपैरेटिवली टू आर्टरियोल और आर्टरी ज़्यादा होता है और ब्लड फ्लो कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो ईजिली टिशू या सेल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इसके मुकाबले में जो टिशू में या सेल में जो वेस्ट मटीरियल और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ईजिली ब्लड वेसल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो यहाँ से जब कैपिलरी इस टिश्यू से एजेक्ट होगी, एग्जिट होगी, तो वो दोबारा से दे विल अगेन मेक अ ब्रांच्ड वेसल्स दैट इज़ कॉल्ड वेन्यूल, एंड अल्टीमेटली वेन्यूल कन्वर्ट इनटू द वेन्स दैट इज़ फाइनली कन्वर्ट इनटू द सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा के जरिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दिल के राइट साइड में यहाँ पर पहुँचेगा. तो इस वजह से अगर हम देखें तो ब्लड की मूवमेंट के दौरान, डिफरेंट वेसल्स के दौरान उनकी जो मूवमेंट है, जो ब्लड प्रेशर है वो वेरी करता है. लाइक सपोज़ हम ये ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, और यहाँ पर जो है ये आयोटा है, ये आर्टरीज़ हैं, ये कैपिलरीज हैं, और ये वेंस हैं. तो सबसे पहले जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के साथ जब दिल हार्ट को ब्लड को एजेक्ट करेगा तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो हाई होगा, और जैसे जैसे ये आगे की तरफ ट्रेवल करेगा टू आर्टरियोल्स तो ये प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा. फाइनली जैसे ही कैपिलरीज में पहुँचेगा तो ये प्रेशर और कम हो जाएगा, और इस तरह वेंस में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोबारा कलेक्ट होगा इनटू द वेंस, तो यहाँ पर ब्लड के सेल्स होने की वजह से, प्लाज्मा में प्रोटीन मॉलिक्यूल होने की वजह से या वेस्ट मटेरियल होने की वजह से, एंड आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पर जो है वो प्रेशर मिनिमम हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाई कि ब्लड जब पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है तो डिफरेंट टू डिफरेंट वेसल्स जो है उनकी जो ब्लड प्रेशर है वो डिफरेंट वेरी करता है. अगर हम ब्लड प्रेशर को मेजर करें तो दिस इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इनटू द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. कार्डिक आउटपुट मीन्स कि दिल एक मिनट के अंदर कितना ब्लड जो है वो एजेक्ट कर रहा होता है. दिस इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट, जो कि बेस कर रहा होता है हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर. हार्ट रेट मीन्स कि दिल एक मिनट में कितनी बीट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसको कंट्रोल कर रहा होता है हमारा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लाइक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. कुछ हमारे बॉडी के हार्मोन्स हैं लाइक एपिनेफ्रिन, और कुछ आयंस हैं लाइक कैल्शियम है, क्लोराइड है, पोटाशियम है. ये जो आयंस हैं इनके मूवमेंट की वजह से, इनके क्वान्टिटी की वजह से हमारा जो हार्ट रेट है वो आइडेंटिफाई होता है और मेजर होता है. इसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स
कि दिल एक साइकिल के दौरान मींस एक सिस्टोल और डायस्टोल के दौरान दिल कितना ब्लड जो है वो एजेक्ट कर रहा होता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि बेस कर रहा होता है प्रीलोड, कंट्रैक्टिलिटी और आफ्टरलोड के ऊपर। अगर हम प्रीलोड की बात करें तो दिस इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मींस कि अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। इसी तरह कंट्रैक्टिलिटी, जो कि दिल किस रेट के साथ कंट्रैक्ट होता है, जो कि कंट्रोल होता है हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम से, आयंस की मूवमेंट की वजह से, आयंस की क्वांटिटी लाइक कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम, सोडियम, इनकी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा होता है, और कुछ हमारे हार्मोन्स हैं लाइक T3, T4 और ग्लूकागन, ये हार्मोन्स जो हैं ये दिल की कंट्रैक्टिलिटी को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके बाद आफ्टरलोड मींस के लाइक अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव पेशेंट है, या अगर कोई एथेरोस्क्लेरोटिक स्क्लेरोटिक प्लेक हुआ हुआ है, या अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा और कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मींस जब ब्लड जिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के साथ आयोटा में आता है और फिर फर्दर ये पूरी बॉडी में जैसे मूव कर रहा होता है, तो चूंकि ब्लड में ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी हैं, इसके अंदर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल भी होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब ये इस ब्लड वेसल्स में मूव कर रहे होते हैं तो ये इनको फ्रिक्शन मिलती है और इनको रेजिस्टेंस फील मिलती है, तो ये कहलाती है हमारी पूरी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स में जब ब्लड मूव कर रहा होता है तो वहाँ से जो रेजिस्टेंस फील होती है उसको कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ब्लड प्रेशर को अगर हम मेजर करें तो वो उसके दो पैरामीटर्स हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मींस जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जो कि ब्लड को एजेक्ट करता है इनटू द आयोटा, वो कहलाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि ऑलमोस्ट 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्लस माइनस 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो सकता है। इसके बाद डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मींस कि जब वेंट्रिकल आफ्टर कंट्रैक्शन जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है और वो फिलिंग हो रही होती है उस वक्त, तो एक प्रेशर जो है वो ब्लड वेसल्स में मेंटेन रहता है फॉर द प्रॉपर फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम द ब्लड, सो यहाँ पर वो कहलाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्लस माइनस 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद पल्स प्रेशर मींस कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस किया जाए तो वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आता है। इसके बाद मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है वो 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को जो है कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो इसमें हमारी जो डेली बेस की जो खुराक है, जो इनटेक है, इसके बाद हमारे जो इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर है, इसके हमारे जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, हमारे खाने पीने के, हमारे उठने बैठने के, हमारे सोने के और हमारे जो एक्सरसाइज के हैबिट्स हैं, हमारे जो स्मोकिंग हैं, हमारे जो कॉफ़ी है, चाय है, ये सारे हैबिट्स जो हैं ये हमारे ब्लड प्रेशर को वेरीफाई कर सकते हैं, वेरी करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर। थैंक यू सो मच।